नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण, और इस समय का सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना का लहर बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब जो है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है छात्रों पर भी पड़ा, और 10वीं की जो CBSE की बोर्ड की एग्ज़ाम था उसे जो है रद्द कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर कई जो है लोगों ने मांग किया था, खासकर आपने देखा कि दिल्ली के CM जो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई लोगों ने इसकी मांग की थी कि CBSE की बोर्ड की जो परीक्षा मई में शुरू होने वाली उसे रद्द किया जाए। और इसको देखते CBSE ने अभी ये फैसला लिया है कुछ ही देर पहले कि CBSE की जो इस बार 10th की जो परीक्षा होने वाली थी उसी जो है रद्द कर दी गई है, और वहीं जो 12वीं की जो परीक्षा है उसे फिर से रेशेड्यूल किया जाएगा, मतलब उसके लिए नया डेट फिर से जारी होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 मई से 10वीं की जो परीक्षा शुरू होने वाली थी CBSE की, उसको लेकर जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित थे, छात्रों में भी ये बार बार ये सवाल आ रहे थे कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप अचानक से मार्च में बढ़ने लगा है, वैसे हालात में आखिर परीक्षा कैसे होगी। उसके लिए आपने देखा था कि कई राज्यों ने जो है स्कूल कॉलेज पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन जो परीक्षा वाले 10वीं और 12वीं के छात्र थे उसको लेकर उन्होंने ये खुली छूट दी गई थी कि कम से कम वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर लें। लेकिन माहौल पिछले 10 दिनों में इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ अब कोई विकल्प ऐसे में बचता नहीं है, क्योंकि आप छात्रों को ऐसे माहौल में परीक्षा कैसे लेंगे, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, सभी जो है कोरोना की लहर, जो ये दूसरी लहर चल रही है, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के लिए, छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हर कोई चिंतित था और वो लगा हुआ था, जिनका भी 10th की परीक्षा थी वो कि कैसे अपने एक उक देंगे, और आंकड़ा जो है वो रोज़ डराने वाला आ रहा है। जैसे कि आपको हमने सुबह ही बताया था कि जो कल का आंकड़ा था 1,84,000, करीब 2 लाख के करीब हम पहुँच चुके एक दिन का ये आंकड़ा है। जबकि ये जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुआ था, तब जो ये आंकड़े जो है टोटल जो मरीजों की संख्या ये जाकर जून में जाकर 2 लाख के आसपास में पूरे भारत में हुए थे, लेकिन अभी एक दिन में इतने आंकड़े आने लगे हैं। 1,000 से अधिक जो है मौत के जो सरकारी आंकड़े हैं वो पार कर चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े और जो हकीकत है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं अलग अलग प्रदेशों से, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली हो या जो है झारखंड, बिहार, सभी जगह की हालत जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ही बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जो है वो दम तोड़ रहे हैं अस्पतालों के बाहर। ऑक्सीजन, खासकर ऑक्सीजन की जो है काफ़ी कमी हो गई, वेंटिलेटर की वैसी व्यवस्था नहीं है। वैसे में अब कोई विकल्प नहीं बचता था ये परीक्षा कराया जाए। हालांकि अभी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पर संशय है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक, जो राज्य की जो बोर्ड है उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह का माहौल है, CBSE ने ये किया है, तो बाकी जो राज्य सरकार है वो भी ये कहीं ना कहीं अपनी जो है परीक्षाएं कैंसिल करेगी, वो झारखंड राज्य का बोर्ड हो या बिहार का हो या दिल्ली का हो या अन्य राज्यों का, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये रद्द करना होगा। मतलब एक स्पष्ट ये हो गया है कि इस बार, इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, मतलब वो उसे रद्द कर दिया गया है, और बिना परीक्षा के ही छात्रों को इस बार जो है ग्रेडिंग के आधार पर जो भी वो पैमाना तय करेंगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और कोरोना का इम्पैक्ट है, और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, रिपोर्टर हैं सृजन, वो बताएंगे। और इसलिए कि आप देखते थे कि जब भी हम लोग लाइव करते थे, बच्चों का खासकर कमेंट आता था, इनबॉक्स में आता था कि 10वीं की परीक्षा को लेकर वो काफ़ी चिंतित थे कि उनका क्या होगा। तो क्या कुछ अभी तक आपके पास जानकारी है, और ये क्या हुआ, किस तरीके से आप देख रहे हो कि अगर कैंसिल हुआ तो अच्छा भैया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले तो सभी दर्शकों और श्रोता को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हमने ही कुछ दिन पहले अपडेट ये किया था कि आप लोगों ने देखा होगा कि लॉयला स्कूल में भी किस तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे थे। फिर अभी 2 दिन पहले की ये खबर है, XLRI में भी 1 साथ 45 पॉजिटिव केसेस पाए गए। तो अगर ये देखा जाए कि ये सही डिसीजन है या गलत, तो मैं कहूँगा सही डिसीजन है, एक राहत की सांस है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सभी
बच्चों के पेरेंट्स को कहा जा रहा था कि आप जो है अपने बच्चों के कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आप स्कूल पहुंचे, तो बहुत लोगों में एक असमंजस था, डर भी था कि हम बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि शहर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और केसेस डेली जो है वो मोर देन 500-600 केसेस डेली राइज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिन के लिए इसको स्थगित अगर कर दिया गया है तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब सब लोग सही रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो लोग इस डिसीजन को भी ज़रूर समझेंगे, ये मेरा मानना है। अगर किसी का कोई कमेंट है तो आप उसको हम लोग ले सकते हैं, अगर आप भी कुछ अगर कोई सवाल है इसमें, अगर कहीं कोई असमंजस है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों को जो है आपका आंसर करें। और इसी के साथ इसलिए कि हमारे साथ मधुर जी भी हैं और ये भी बार बार परीक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे कि क्योंकि इनके घर में भी परीक्षा के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, खड़े हो जाइए बताइए, इसलिए कि ऐसे पेरेंट्स, इसलिए कि आप हमेशा रोज़ ये सवाल आप भी जानते रहते थे कि बच्चों की परीक्षा को लेकर क्या है। सबसे पहले सबको नमस्कार। अभी तो है दसवीं और बारहवीं, चिंता का विषय तो जिस स्पीड रफ्तार से जो कोरोना संक्रमण की संख्या पूरे देश भर में बढ़ रही थी, झारखंड में भी अछूता नहीं है, जमशेदपुर भी अछूता नहीं, तो चिंतित गार्जियन को चिंतित रहना ये स्वाभाविक था। तो हम लोग चिंतित थे, कहे कि मेरे बच्चे को भी 12th का एग्ज़ाम देना था कि इस कोरोना काल में जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ क्या स्थिति होगी, कैसे होगी, तो थोड़ा चिंता का विषय था। लेकिन आज का एक ब्रेकिंग न्यूज है कि सारे CBSE बोर्ड अपना परीक्षा को स्थगित किया है, 12th के परीक्षा के लिए डेट अनाउंस बाद में करेंगे, तो हमारे समझ से होना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा बच्चे का जो स्पीड में ब्रेकअप होता है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है, जो माहौल अभी तो जरूरी है, जो माहौल को भी बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चे को लगातार घर में अपना जो पढ़ाई करते हैं उनको तन्मय धन के साथ अपना पढ़ाई करते रहना चाहिए। और ये अच्छा है, कहे कि कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसके लिए उचित कदम है, उचित कदम में होना चाहिए था। तो जैसे कि हमने आपको जो अभी तक की डिटेल्स से हमने वो बता दी है, अगर आपकी भी कोई राय हो या कमेंट हो, हाँ अगर कोई सवाल है तो आप जरूर, हाँ तो सवाल बताइए सृजन, क्या सवाल है? सवाल पूछा जा रहा है कि झारखंड बोर्ड का क्या होगा। हाँ अभी वही हम बात कर रहे थे कि अभी CBSE ने ये किया है और इसके बाद अभी राज्यों ने भी नहीं घोषणा किया, लेकिन जिस तरीके से CBSE ने किया है, राज्यों को भी कहीं ना कहीं माहौल को देखते हुए वो रद्द करना होगा या उसे वो रेशेड्यूल करे। CBSE ने तो कह दिया कि इस साल हम परीक्षा ही 10वीं का नहीं लेंगे, 12वीं का लेंगे, जब हालात सुधरेगा तो उसके लिए नया डेट जारी होगा। लेकिन झारखंड राज्य ने अभी ठीक है, तो जैसे आपने बता रहे झारखंड के आपने पूछा है, तो अभी हो सकता है कि उस पर इन्होंने जो झारखंड बोर्ड है वो फैसला नहीं लिया, लेकिन आने वाले 8-10 दिनों में हो सकता है कि राज्य भी, उनके ऊपर भी ये दबाव होगा कि वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि राज्यों में परीक्षा होगा या नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना होगा। हाँ इसके साथ जैसे उन्होंने बताया एक जानकारी ये कि जो इस बार जिसे 10वीं की जो CBSE की परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा की बच्चों को जो है मार्क्स CBSE के द्वारा दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अगर उस मार्क्स को लेकर आपत्ति हो, अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उसके बाद उनके लिए परीक्षा कंडक्ट अलग से किया जाएगा और इसके बाद उन्हें जो है नंबर दिया जाएगा, ये भी ऐसी व्यवस्था की गई है। और बाकी डिटेल्स इसलिए क्लियर, अभी तो ये फैसला उन्होंने लिया है, क्या कुछ और उसमें ऐड हो सकता है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जब वो अपने औपचारिक तरीके से अपने वेबसाइट पर सारे डिटेल बारीकियों को वो डालेंगे, ये किस आधार पर किस बच्चों को नंबर देंगे, क्या जो टेस्ट एग्जाम होता है स्कूल के द्वारा किया कराया जाता है, क्या उसके आधार पर वो नंबर देंगे, उस बच्चे की जो स्कूल में परफॉर्मेंस है उस आधार पर क्या कुछ होगा, उसका वो आधार बताएंगे कि कैसे जो है वो बच्चों को नंबरिंग करेंगे, किस तरीके से वो उन्हें जो है फर्स्ट या सेकेंड या जो भी वो बच्चों को ग्रेडिंग करेंगे, तो वो आधार क्या रहेगा उसका खुलासा के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, कम से कम 24 घंटे के इंतज़ार करना होगा, ताकि वो जो उसका गाइडलाइंस है उसको बाकायदा वो वेबसाइट पर डालेंगे। और किसी का कुछ है? एक और आया सर, ICSE का क्या होगा? हाँ देखिए, ICICI अभी तो CBSE की फैसला ही है, लेकिन मान कर चलिए कि जब CBSE ने फैसला कर लिया है तो ICICI और बाकी जो राज्यों की बोर्ड है उन्हें भी ये तय करना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए कि जो एसोसिएशन CBSE के लिए है वही जो है ICSE बोर्ड के लिए भी है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है परीक्षा को टालना ही पड़ेगा, इसलिए कि देश का अभी जो माहौल है
पिछले साल से बार बार हम कह रहे हैं कि पिछले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी पिछले और इस साल में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा स्केल है लोगों का संक्रमित होने का, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं आंकड़े, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बीमारी भी इस बार ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुंचा रहा है। तो इसलिए अब जो है इस स्थिति को गंभीरता को देखते हुए सरकार के सामने या वो स्कूलों के सामने बोर्ड के सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि इस बात पर सबको कहीं ना कहीं एग्री है, सहमत होना पड़ेगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य जो है लोगों को बचाना जरूरी है, इसके बाद वो एजुकेशन हो या अन्य कोई काम हो या फैक्ट्री चलाना हो या बिजनेस चलाना या नौकरी हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो पीछे है। पहले आपको जो है ये जो बीमारी है, जो महामारी है, इससे लड़ने में पूरी ताकत आपको लगानी पड़ेगी। तो अब तक के लिए इतना ही अपडेट, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप सोशल संवाद की जो वेबसाइट है आप उस पर विजिट करें ताकि आपको विस्तार से खबरें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी और वहाँ पर हर पल अपडेट आपको होते रहेगा। इसके साथ ही आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे प्रशंसक हैं, आप हमारे फॉलोअर हैं, तो आप जरूर इसे सोशल संवाद को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, आप YouTube पर भी जरूर जाएं, इसलिए कि अब आपको YouTube और Facebook दोनों पर एक साथ आपको लाइव देखने को आने वाले समय में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।